बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अगली खबर की। बाड़मेर के धोरी मन्नत से बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 लाख की रिश्वत के साथ पंचायत समिति एईएन को ट्रैप किया गया है। आरोपी सोहनलाल सुथार के घर देर रात तक चलाए सर्च ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन में मिले हैं करीब 5,50,000 की नकदी, अलग अलग खातों की डिटेल और जमीन के कागजात भी मिले हैं यहाँ पर। तो बड़ी खबर सामने आ रही है धोरी मन्नत से। बाड़मेर के धोरी मन्ना में 5 लाख की रिश्वत के साथ पंचायत समिति एईएन को ट्रैप किया गया है। आरोपी सोहनलाल सुथार के घर देर रात तक कार्रवाई चली है और इस कार्रवाई में 5,50,000 की नकदी मिली है, अलग अलग खातों की डिटेल और जमीन के कागजात भी मिले हैं। तो अलग अलग खातों की डिटेल और जमीन के कागजात भी मिले हैं। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी गणपत विश्नोई मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गणपत, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्या अपडेट पूरे मामले में? चाहूंगा, कल शाम की कार्रवाई हुई है जोधपुर एसपी द्वारा धोरीमना में पंचायत समिति के सहायक अभियंता सोहनलाल सुतार को 5 लाख की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। और एक और सहायक अभियंता है मनाराम, उनका नाम भी मामले में सामने आ रहा है। दोनों ने मिलकर पूर्व में करीब परिवादी से 16 लाख रुपए की घूस है जो ले चुके थे और अब सिक्योरिटी राशि जी राशि थी उसे जारी करने के लिए 5 लाख की डिमांड की थी, जिसको लेते हुए सोनलाल को ट्रेप किया गया था। सोनलाल को सरकारी आवास पर देर रात तक सर्च ऑपरेशन चला एसीबी का और जिसमें सरकारी आवास से करीब 5.5 लाख रुपए की है जो कैश बरामद किए हैं। इसके साथ ही कई बैंक खातों की डिटेल और बाड़मेर में जमीन खरीदने के दस्तावेज भी एसीबी के हाथ लगे हैं। जी शुक्रिया गणपत विश्नोई तमाम जानकारी खबर पर देने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया गया है।